हेलो, कंटिन्यू करते हैं अपना बायोलॉजी। तो हमने यहाँ तक पढ़ रहे थे हम एंटीबायोटिक्स के रिगार्डिंग। तो पेंसिलिन वाला हमने थोड़ा पढ़ा था। अब आ रहा है एंटीबायोटिक्स। स्ट्रेप्टोमाइसिन वॉज डिस्कवर्ड नेक्स्ट बाय सेलमन वैक्समैन इन सिमिलर वे। इसी तरह से सेलमन बैकमन नाम के पर्सन थे, उन्होंने ये डिस्कवर की, लेकिन ये पेंसिलिन के बाद की थी। ठीक है। इट्स अ सोर्स ऑर्गेनम वॉज बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। हाँ सर, इसका जो सोर्स था वो फंगस नहीं था, वो फंगी नहीं था। इसका जो सोर्स था वो बैक्टीरिया ही था। इसका जो सोर्स था वो बैक्टीरिया ही था। ठीक है। ठीक है। सम वेल नोन एंटीबायोटिक्स देयर सोर्सेज एंड द डिजीज दे ट्रीट आर एज फॉलोज। वो कह रहे टेबल उन्होंने बनाकर दी है, उसमें बायोटिक्स के नाम भी लिखे हुए हैं, सोर्सेज के नाम भी लिखे हुए हैं, और उनसे कौन कौन से डिजीज सही हो जाती हैं ये भी लिखा हुआ है। बेसिकली सही भी नहीं होती हैं। बेसिकली मैंने भी आपको बताया, सही नहीं, सही का मतलब क्या होता है, उनको फैलने से रोकती हैं। तो किन बीमारियों को फैलने से रोकती हैं ये बेसिकली वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर चार नाम दिए हुए हैं, पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोटेट्रासाइलिन साइसिलिन और अर्थ्रोमाइसिन। तो पेंसिलिन का जो सोर्स है मोल्ड यानी फंगस है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसेस है, क्लोरोटेट्रा का है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसिन है ना, और अर्थ्रो का सचारो पोलास्पोरा एर्थेलिया। ओहो, अजीब ही नाम है भाई, लिख लिख के याद करने पड़ेंगे था आपको। तो पेंसिलिन जो ट्रीट करता है वो टिटनेस को, डायफ्थीरिया को ट्रीट करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करता है, और क्लोरो आपका टाइफाइड को, अर्थी आपका रिक्टेट सीएल जो फीवर होते हैं, रिक्टेट सीएल फीवर। कुछ ध्यान तो आ रहा है मेरे को, तो ध्यान नहीं आ रहा, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या है ये रिकेट्सियल फीवर जो होते हैं ना, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को उनके लिए। ठीक है। क्राइटेरिया फॉर अ गुड एंटीबायोटिक। सर, किस एंटीबायोटिक को हम गुड बोलेंगे? गुड है ना, किस एंटीबायोटिक को हम गुड बोलेंगे? तो पहला, इट शुड बी एबल टू किल। ओहो, इसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अदर वेराइटी ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सके, किल कर सके। जिसको उन्होंने नाम दिया है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। फिर कह रहे हैं इट शुड नॉट प्रोड्यूस अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट। इनको कोई साइड इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। इट शुड नॉट किल नॉर्मल बैक्टीरिया ऑफ द होस्ट। सर, हमारी बॉडी के अंदर अच्छे या नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं वो नहीं मरने चाहिए, केवल बुरे वालों की डेथ होनी चाहिए। ठीक है। ये तो है गुड एंटीबायोटिक हम किसको बोलेंगे। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। अदर यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। अदर यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स एज फूड प्रिजर्वेटिव, एड फूड प्रिजर्वेटिव स्पेशली फॉर फ्रेश मीट एंड फिश। वो कह रहा है फूड को प्रिजर्व रखने के लिए, स्पेशली मीट और फिश को, है ना, उनको प्रिजर्व करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। फॉर ट्रीटिंग एनिमल फीड, एनिमल को फीड कराने के लिए। फॉर कंट्रोलिंग प्लांट पैथोजेंस, प्लांट में कुछ पैथोजेंस होता है उसके लिए भी। तो ये तो अभी तक बात हुई थी एंटीबायोटिक्स के। अब उसके बाद आते हैं सीरम पे। उसके बाद आते हैं आप सीरम पे। सीरम कंटेन एंटी टॉक्सिंस। एंटी टॉक्सिंस क्या होता है सर? कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पैथोजन। अब पैथोजन दो बार आ गया, मैं आपको जरा देख के बताता हूँ होता क्या है ना। दो सेकंड रुकना। पैथोजन मतलब होता है बीमारी, पैथोजन मतलब होता है बीमारी, यानी सीरम ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस का यूज एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए यानी स्पेसिफिक डिजीज के लिए किया जाता है।
सीरम्स आर यूज्ड एज अ प्रिवेंटिव मेजर, इसको हम एज अ पर्टिकुलर डिजीज के लिए यूज करते हैं, एज अ प्रिवेंटिव मेजर यूज करते हैं उसको बेसिकली, कि हमारे अंदर बीमारी आ ना जाए। पोलियो की दवाई आई थिंक इसी के एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है। फॉर प्रिपेयरिंग सीरम अ स्मॉल डोज ऑफ बैक्टीरियल टेक्सटॉफन इज इंट्रोड्यूस इन टू द ब्लड ऑफ द हेल्दी एनिमल सच एज हॉर्स और काउ। वो कह रहे हैं जो हम सीरम बनाते हैं, तो सीरम बनाने के लिए पता है क्या करते हैं, इस ऊपर बैक्टीरियल बैक्टीरियल टॉक्सिन के ऊपर बात हुई थी ना, एंटी टॉक्सिन, तो सर ऐसा एक टॉक्सिन एक हेल्दी एनिमल की बॉडी के अंदर डाला था, एनिमल की बॉडी के अंदर। हाँ सब एनिमल कौन सा होगा, या तो हॉर्स होगा कब होगी, ठीक है एग्जाम्पल ले रहे हैं वो। तो फिर ये जो बॉडी होगी यानी एनिमल्स की, ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे एंटी टॉक्सिन। अब ये एंटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, हमने डाला टॉक्सिन वो डालेंगे एंटी टॉक्सिन टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन, जैसे ये जो टॉक्सिन का इफेक्ट है ना ये न्यूट्रलाइज होता है। आफ्टर सेवरल इंजेक्शन ऑफ द सेम टॉक्सिन, ये सेम मतलब टॉक्सिन लगाते हैं आगे ब्लड में, इज टेकन आउट आफ्टर सेवरल इंजेक्शन ऑफ द सेम आफ्टर सेवरल इंजेक्शन ऑफ सेम टॉक्सिन द ब्लड ऑफ सच एनिमल इज टेकन आउट। सब बाद में बहुत सारे इंजेक्शन लगाने के बाद ब्लड जो है एनिमल को बाहर निकल जाता है। ऑन चिलिंग इट क्लियर्स एज स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड, ठंडा होने पर ये क्लियर कैसे दिखाई देता है, स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड दिखाई देता है विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द क्लॉट, जो कि क्लॉट से बिल्कुल अलग हो जाता है, एंड इज कॉल्ड सेरम, और उसको फिर हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। स्नेक बाइट ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग द पर्टिकुलर एंटी वेनिन प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्लड ऑफ हॉर्स एटसेट्रा इन द सेम मिनट गिवन आवर। अब देखो मैं आपको पास समझा दूंगा, ये जो लिखा हुआ ना एक लाइन में अपने समझा, इसके लिए करते क्या है, कोई बीमारी है, उस बीमारी का आपको इलाज ढूंढ रहे हैं, उस बीमारी का इलाज आपको ढूंढना है, तो आपको नहीं पता पर नेचर में हमारे नेचर में जो रिसोर्सेस हैं सर ह्यूमन रिसोर्सेस ही हैं, एनिमल रिसोर्सेस ही हैं, है ना, ये नहीं कि जो मेटल वगैरह मिलते हैं वही रिसोर्सेज है, नहीं, जो सब कुछ है वो सब रिसोर्सेज ही हैं, तो हर रिसोर्स का कुछ ना कुछ अलग काबिलियत होती है, ठीक है। तो जैसे कि उन्होंने, अब मैं बताऊँ जैसे कि ये एक स्नेक बाइट वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो सांप का जो जहर होता है, स्नेक का जो पॉइजन होता है, उसका जो एंटीडोट होता है, एंटीडोट मतलब क्या, उससे लड़ने की जो काबिलियत होती है ना वो हॉर्स में ऑलरेडी होती है, मतलब हॉर्स को अगर स्नेक काट जाए, अगर हॉर्स को स्नेक अगर बाइट कर ले तो हॉर्स को अपना ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है नहीं, उसके अंदर ये ऑलरेडी कैपेबिलिटी है, उसका ब्लड ऑलरेडी इतना पावरफुल है उसकी जो मतलब फंक्शन तो प्रोग्रामिंग तो नहीं बोलूँगा तो सॉफ्टवेयर थोड़ी है वो उसको भगवान ने बनाया है, वो इसी तरह से बनाया है कि उसको अगर सांप काट गया ना तो उसके पॉइजन का ट्रीटमेंट उसके अंदर के जो बॉडी पार्ट्स हैं ना, मतलब कि उनके अंदर के सेल्स हैं, उसके अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो खुद कर लेते हैं। तो ऐसे रिसर्च चलती रहती है किसी एनिमल के पास किस तरह की बीमारी को सही करने का क्या है काबिलियत है। तो जैसे लोगों को पता चला हॉर्स के अंदर है, तो ये पता क्या करेंगे, हॉर्स के अंदर तो जहर डालेंगे, पहले जहर डालेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि जहर से हॉर्स को कुछ होगा नहीं, फिर ये देखेंगे, फिर इसके ऊपर रिसर्च करेंगे कि हॉर्स की बॉडी में कौन सा सेल है जो इस जहर को क्या कह रहे हैं मतलब अटैक कर रहा है, यानी जहर का अटैक, जहर का असर हटा रहा है, ठीक है। और जो इनको दिख जाएगा सेल, ये उसी सेल को बाहर निकाल लेते हैं, सेल को क्या करते हैं ब्लड के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं और उसको क्लॉट से अलग कर देते हैं, फिर जो बचता है वो सेल उसी को ये सीरम नाम दे देते हैं, ठीक है, उसी को ये क्या कह देते हैं सीरम नाम दे देते हैं, ठीक है। आपको ऐसे समझ में आ गया होगा, वहाँ पर पीछे लिखा लिखा नहीं समझ में आया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज मेड इट पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस ह्यूमन जीन्स इन सर्टेन बैक्टीरिया लाइक एस्चेरिचिया कोली, कैसे गंदे में नाम है, वो कहें जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस है जिसने ये पॉसिबल कर दिया है कि आप क्या कर सकते हो टू इंट्रोड्यूस ह्यूमन जीन, कि आप ह्यूमन जीन्स है ना सर्टेन बैक्टीरिया में डाल सको। दिस इज बैक्टीरियल कल्चर टू ग्रो वेरी रेपिडली, ये जो बैक्टीरियल बैक्टीरिया है ना, ये जो बैक्टीरिया का जो कल्चर है ये बहुत रेपिडली ग्रो हो रहा है। द पर्टिकुलर जीन डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैक्टीरिया, तो कह रहा है कोई स्पेसिफिक जीन डिपेंडेंट है, पर्टिकुलर का मतलब स्पेसिफिक भी होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कोई स्पेसिफिक जीन डिपेंडेंट प्रोडक्ट है तो उसको हम इन बैक्टीरिया से बाहर निकाल लेते हैं। द हारमोन इंसुलिन वॉज द फर्स्ट सच सब्सटेंस प्रोड्यूस बाई ई कॉली,
वो कह रहे एक इंसुलिन नाम का जो हार्मोन था वो पहला सब्सटेंस था जो ऐसे प्रोड्यूस किया गया था इस एस्चेरिचिया कोली के थ्रू, है ना। फ्यू सेरम कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, सीरम है यहाँ पे, सेरम कंपाउंड है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया ए बीमारी को ख़त्म करने के लिए किस सीरम बनाया गया है? हेमोफीलिया बी सही करने के लिए फैक्टर नए बनाए गए हैं, ठीक है। अब सीरम के बाद आते हैं वैक्सीन पे, सीरम के बाद आते हैं वैक्सीन पर। तो वैक्सीन क्या है? आ प्रिपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ वीकेंड जम्स और डेड जम्स सब्सटेंस। आ प्रिपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ, आ प्रिपरेशन एक हम चीज़ बना रहे हैं, या फिर मैं आप दे देता हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड जम्स और डेड जम्स सब्सटेंस इन टूअर बॉडी फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू कंट्रोल डिजीज, ठीक है। नीचे वाले डेफिनेशन पे आओ, वैक्सीन पर मत आओ, वैक्सीनेशन पे आओ। सर ये तो वैक्सीनेशन है नहीं, अगर मैं इंट्रोडक्शन की जगह इंट्रोड्यूस लिख दूँ तो ये वैक्सीन की डेफिनेशन दे जाएगी, ठीक है। वर्ब नाम का डेफिनेशन कुछ नहीं। तो वैक्सीन का मतलब क्या है? वैक्सीन मतलब हमारी बॉडी के अंदर ऐसे जम्स डालना जो किसी बीमारी को रोक सकें, जो किसी बीमारी को रोक सकें, जो किसी बीमारी को रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ना रोकना, जो किसी स्पेसिफिक बीमारी को रोक सकें, किसी स्पेसिफिक बीमारी को रोक सकें। लेकिन जम्स ना आप ऐसे नहीं डाल सकते हैं, ये जम्स आपकी बॉडी में हावी ना हो जाए, आपको कंट्रोल ना करने लगे। इसलिए हम देखते हैं कि वीक जम्स कौन से हैं, या तो वीक जम्स लेते हैं या फिर हम डेड जम्स लेते हैं। तो वीक या डेड हम जम्स सब्सटेंस हम अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं ताकि हम किसी पर्टिकुलर डिजीज से आपको प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस तरह के प्रिपरेशन को, इस तरह की दवाइयों को हम क्या बोलते हैं? वैक्सीन बोलते हैं। और ये जम्स डालने के प्रोसेस को वैक्सीनेशन बोलते हैं, ठीक है। एक आप कोविड के इंजेक्शन लगवा के आए, क्या डाल लगवा के आए आप? जब कोविड के इंजेक्शन लगवा के आए, वैक्सीन लगवा कर आए, तो वैक्सीन नहीं, ये आपकी बॉडी के अंदर कुछ जम्स छोड़ रहे हैं, कुछ आपके अंदर डेड और वीक जम्स छोड़े गए हैं जो क्या करेंगे, कोविड को आपकी बॉडी में आने से रोकेंगे, कोविड के जम्स से लड़ने में हेल्प करेंगे, ठीक है। वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर अ वेराइटी ऑफ डिजीज। सर वैक्सीन तो काफ़ी तरह के डिजीज के लिए अवेलेबल हैं, कोलेरा हुआ, टाइफाइड हुआ, मीजल्स हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, है ना, एक्सेट्रा। ऑन इंजेक्टिंग देम इन टू द बॉडी द पर्सन गेट द डिजीज इन माइल्ड फॉर्म एंड हिज बॉडी गेट्स स्टिमुलेटेड। वो कह रहा है जब हम ये इंजेक्ट करें तो इनकी बॉडी में द पर्सन गेट्स द डिजीज इन माइल्ड फॉर्म, तो पर्सन को थोड़ी सी बीमारी होती है हल्के से फॉर्म में एंड हिज बॉडी गेट्स स्टिमुलेटेड, तो उसकी बॉडी को उस चीज़ की आदत हो जाती है और वो एंटी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने लगता है। जैसे कुछ लोगों को जब कोविड की वैक्सीन भी लगवाई थी तो माइल्ड सा उनको फीवर भी आया था इसे, ना, तो उससे क्या होता, उनकी बॉडी में एंटी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होने लगे थे। हाँ, फिर ये जो एंटी टॉक्सिन्स होते हैं ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमें जो बैड जम्स होते हैं उनसे लड़ने में हेल्प करते हैं। द एंटी टॉक्सिन्स प्रोवाइड इम्यूनिटी, ये जो एंटी टॉक्सिन होते हैं हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं अगेंस्ट एनी फ्यूचर अटैक, ताकि बाद में ये बीमारी को अभी भी अटैक करे तो हम इससे लड़ सकें। टू कॉमन वैक्सीन ऑप्टेंड बाय ग्रोइंग बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया नाम बता रहे हैं, एक तो किल्ड बैक्टीरिया पीवी वैक्सीन, डेड बैक्टीरिया, डेड बैक्टीरिया से जो बनाई गई है टीवी वैक्सीन फॉर टाइफाइड, उससे जो डेड नहीं है लिविंग है लेकिन वीक बैक्टीरिया है उससे बनाई गई बीसीजी वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। अभी नहीं यूजफुल यूजफुल नेसी चल रही है इसकी स्पीड 9.2.4 9.2.1 ये रहा 3 ये रहा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इसको एज अ यूज कर सकते, टॉक्सिड यूज कर सकते, टॉक्सिड्स क्या होते हैं, टॉक्सिड्स क्या होते हैं, टॉक्सिड्स आर द इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, टॉक्सिड्स आर इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स टॉक्सिड्स आर इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स ऑफ द पर्टिकुलर बैक्टीरिया विच कैन स्टिल स्टिमुलेट, जो कि अभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं, है ना, जो कि अभी एक्टिवेट हो भी नहीं सकते, कर सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव एंटीबॉडीज सच एज दोस आर प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड टिटनेस।
टॉक्सिड्स इस तरह के इनएक्टिव टॉक्सिड्स हैं, है ना, किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के, जो कि एंटीबॉडीज बनाने के लिए रेडी हो सकते हैं, जो एंटीबॉडीज बनाने के लिए एक्टिवेट हो सकते हैं। और सर वो एंटीबॉडीज किसके लिए बनाएंगे, ताकि आप लड़ सको किसके अगेंस्ट, डायथेरिया के अगेंस्ट और टिटनेस के अगेंस्ट। ठीक है, ठीक है। नोट, वी विल स्टडी अ मोर डिटेल्ड अकाउंट ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन क्लास 10th। वो कह रहे इसके रिगार्डिंग आप डिटेल में 10th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, बैक्टीरिया रोल इन एग्रीकल्चर, सब पहले तो हमने पढ़ा था, वो क्या था, ये 9.2.3 था ना, 9.3.1। अच्छा, वैसे हम जनरल यूजफुलनेस बताए थे, और ये बता रहे हैं बेसिकली वो मेडिकल साइंस में बताए थे आपको। हाँ, ये मेडिसिन बताए थे उन्होंने रोल यूजफुलनेस, अब उसकी यूजफुलनेस बता रहे हैं एग्रीकल्चर में। पहले हम एक छोटा वाला कंप्यूटर नहीं कर रहे, चलो चलो करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सब कुछ बैक्टीरिया से जो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नाम से तो समझ में आ रहा है। आ स्पेशल कैटेगरी ऑफ सॉइल बैक्टीरिया, सब कुछ सॉइल कैटेगरी कोई बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं रिजोबियम, इज फाउंड लिविंग इन स्मॉल नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज बीन्स, है ना। वो कह रहे हैं एक स्पेशल टाइप का सॉइल बैक्टीरिया होता है, इसको रिजोबियम बोलते हैं। वो बीन से जैसे प्लांट की रूट्स में पाया जाता है। दीज बैक्टीरिया पिकअप फ्री नाइट्रोजन, ये जो बैक्टीरिया होते हैं पता नहीं कैसे फ्री नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते रहते हैं फ्रॉम द सॉइल एंड एटमोसफेयर, है ना, सॉइल और एटमोसफेयर से, और उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट इट इंटू सॉल्यूबल नाइट्रेट, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर जो नाइट्रेट क्या करते हैं, दीज नाइट्रेट आर यूज बाय द होस्ट प्लांट, सर जिस प्लांट से निकले हैं उसी कि है, उसी वही होस्ट प्लांट को यूज करता है, एंड ऑल्सो अदर प्लांट्स, अदर प्लांट्स इसको यूज करते हैं इन द सेम सेल। ठीक है, अच्छा पहला यूज करना नहीं बता दिया। फिर कह रहे हैं सर्टेन फ्री लिविंग वेक्टर इन द सॉइल लाइक अजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रिडियम यूज द फ्री नाइट्रोजन ऑफ द सॉइल एंड कन्वर्टेड इनटू अमोनिया विद हाइड्रोजन, व्हिच इन टर्न गेट्स कन्वर्टेड टू अमीनो एसिड्स एंड नाइट्रेट्स एनरिचिंग द सॉइल। ओके, तो पहले कह रहे हैं कि कुछ बीन्स होते हैं जहाँ पर आपको ये रिजोबियम मिलता है, तो रिजोबियम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से फ्री ले, पता नहीं अपने आपके ऐसे सॉइल से एटमोसफेयर से ऑक्सीजन लेता है, वो ऑक्सीजन वो प्लांट द्वारा से यूज कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है फिर बाद में कह रहा है ये अमोनियम क्लोराइड बना लेते हैं, अमोनियम एसिड बना लेते हैं, नाइट्रेट बना लेते हैं, जिससे वो अपनी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा लेते हैं, है ना। तो ये कुछ बैक्टीरिया जैसे होते हैं, एक रिजोबियम पढ़ा था, इसी दो बैक्टीरिया पढ़ लिए। ठीक है, तो क्या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया देखने के लिए लिखा हुआ है, प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर सिंथेसिस इन प्रोटीन, प्लांट्स को नीड होती है नाइट्रोजन की ताकि प्रोटीन को बना सकें, बट दे कैनॉट मेक यूज ऑफ द फ्री एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, लेकिन वो जो नेचर में जो फ्रीली जो आपको नाइट्रोजन मिले उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए दे कैन ऑपरेट इट ओनली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। प्रोटीन बनाने के लिए जो नाइट्रोजन चाहिए होगा, तो वो नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में चाहिए होगा, जो कि वो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, है ना, थ्रू दी रूट। दीज नाइट्रेट्स आर रिप्लेनिश्ड इन दी सॉइल बाय बैक्टीरिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन, जो नाइट्रेट होते हैं उसको रिप्लेनिश कर जाता है सॉइल में, है ना, बैक्टीरिया के थ्रू। जिस प्रोसेस को हम क्या, एक प्रोसेस को थ्रू, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। फॉर दिस सम बैक्टीरिया फर्स्ट कन्वर्ट, इस प्रोसेस के लिए ना कुछ बैक्टीरिया को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट में, है ना, नाइट्रोजन वेस्ट ऑफ एनिमल्स एंड डेड रिमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन टू अमोनिया। ठीक है, उनको अमोनिया में कन्वर्ट किया था, अमोनिया को भी बाद में कन्वर्ट किया था अमोनियम कंपाउंड में, विच इन टर्न फिर जो बाद में किसमें कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होते हैं, है ना, नाइट्राइट्स, है ना, कन्वर्टेड टू नाइट्राइट्स बाय बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोसोमनस, एंड देन फिर उसके बाद नाइट्रेट्स में जाते हैं। ओके, कितनी बड़ी प्रोसेस है, नाइट्रेट्स बैक्टीरिया सच एज नाइट्रो नाइट्रोबैक्टर, ईच ऑफ दिस स्टेप इज ब्रॉट अबाउट बाय स्पेसिफिक बैक्टीरिया, हर स्टेप में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं, जैसे नाइट्रेट बनाने के लिए नाइट्रोबैक्टर, नाइट्राइट बनाने के लिए नाइट्रोसोमनस। ठीक है,
हर स्टेप में अलग अलग वेक्टर हैं, डीनेट्रिफाइंग वेक्टर सर, अब ये उसको जैसे पॉजिट हो जाएगा। दीज आर वेक्टर पेरेंट इन दिस सॉइल है, बिच ब्रेक डाउन द सॉइल नाइट्रेट। सर ये वहाँ पर नाइट्रेट बनाते नहीं है, उसको तोड़ते हैं बने हुए को टू रिलीज नाइट्रोजन गैस, ताकि नाइट्रोजन निकल जाए एंड दैट एंटर्स द एटमोसफेयर, जो कि एटमोसफेयर में चली जाती है। सुडोमोनस है ना, पी साइलेंट है यहाँ पे, एक्स्ट्रा इसको बाद में पढ़ेंगे ठीक है। बैक्टीरिया का रोल इन इंडस्ट्री ये और पढ़ लेते हैं, फिर इसको ओवर करते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है ना हमारी, चल रही है। बैक्टीरिया हैव अ वेरी एक्सटेंसिव यूज इन इंडस्ट्रीज, एंड इंडस्ट्री में भी यूज होता है इनका। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट देयर रोल इन प्रोड्यूसिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ मेडिसिन, बिल्कुल। और नॉट इसके, हियर आर टू मोर आउट ऑफ सेवरल अदर यूजेस, वो कह रहे हैं डिफरेंट फ्लेवर ऑफ ट्री। टीथ में फ्लेवर देना है आपको, तो बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। लेदर टैनिंग, लेदर निकालना है, तो लेदर टैनिंग इज प्राइमरली ब्रॉट अबाउट बाय सनलाइट, बट सर्टेन बैक्टीरिया बिकम द सॉफ्ट पेडिसोल पार्ट ऑफ स्किन। लेदर टैनिंग, लेदर निकालने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, लेकिन उस बैक्टीरिया की भी जरूरत पड़ती है। ज़्यादा नहीं देश में, बहुत छोटा है ठीक है। यहीं तक करते हैं अपन, और आपको मैं होमवर्क देता हूँ। बैक्टीरिया नो मोर क्लासिफाइड एज अ प्लांट फैमिली, बिकॉज रीजन आपको बताना है। आप पर्टिकुलर स्पेसिस बिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स बैक्टीरिया ऑफ द एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड नेक्स्ट टू पेरिसिलिन, पेरिसिलिन के बाद जो आया था। विच बैक्टीरिया रॉड सेव्ड, ये तो बता ही सकते हो। विच बैक्टीरिया फिक्सेस नाइट्रोजन दिस, ये भी आप बता सकते हो, भी पढ़ा है अभी, भी लेटेस्ट पढ़ा है। नेम नेम थ्री कॉमन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बता सकते हो। मैच द कॉलम डिप्लोकोकी स्ट्रेप्टोकोकी, पढ़ लिया आपने। इज अ वेरी शॉर्ट है। हाँ, वुड यू कंसिडर द बैक्टीरिया एंड ईस्ट एज अ प्लांट, ये का रीजन दे सकते हो। इन वॉट फॉर्म बैक्टीरिया मे प्रेजेंट इन द एयर, पढ़ लिया शायद। अवाइज पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया नॉट कंसिडर एज फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी आप पढ़ सकते हो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पता नहीं क्यों पर मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है। इन वॉट रेस्पेक्ट डू यू कंसिडर बैक्टीरिया एज सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंपल ट्राई कर लेना। ये पता नहीं, अभी हमने पढ़ाया भी है, पढ़ तो लिया है क्योंकि कुछ रहा नहीं इस चैप्टर में इसके अलावा। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डिकेन, पुट्रिफिकेशन, पेस्टराइजेशन, अविनय। वाई इट जनरली एडवाइज दैट एवरी लिविंग इन हाउस टू गेट डायरेक्ट सनलाइट, अविनय। वुड देयर बी एनी बैक्टीरिया इन एक्वेरियम, बिल्कुल होंगे पर हमने शायद पढ़ा नहीं है। डिस्कस द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, हाउ डू बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर नरिशमेंट, बैक्टीरिया अपना खाना कैसे लेते हैं, ये भी रह गए, हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। पढ़ेंगे शायद। डिस्क्राइबिंग टू यूज ऑफ बैक्टीरिया इंडस्ट्री, वॉट आर एंटीबायोटिक्स, इज इट टिंड और सील्ड फूड ऑलवेज सेफ टू ईट, अभी नहीं पढ़ा। बस यही है ना आज का होगा।